सिंगरौली विधायक राम लल्लू बैस ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष राम सुमिरन गुप्ता, प्रोजेक्ट मैनेजर नीरज चौबे, लाल बाबू, बालकृष्ण बैस, अमित मिश्रा सहित कई लोग मौजूद रहे। सिंगरौली के नौगढ़ में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे सिंगरौली विधायक राम लल्लू बैस एवं भाजपा जिला अध्यक्ष राम सुमिरन गुप्ता ने बताया कि मेडिकल कॉलेज का निर्माण तेजी से चल रहा है। निर्माण कर रही कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर से बैठकर चर्चा की गई और उन्हें निर्देशित किया गया कि बिल्डिंग का निर्माण गुणवत्ता के साथ किया जाए एवं निर्धारित समय सीमा पर कार्य को पूर्ण किया जाए। उन्होंने बताया कि निर्माण कर रही कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा बताया गया कि 2025 तक मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाएगा और हैंडओवर कर दिया जाएगा और वहां मेडिकल कॉलेज के जहां छात्र पढ़ाई करेंगे वो निर्माण हो रहे हैं, छात्रावास, बालक बालिका, डॉक्टरों को रेजिडेंस आदि, ये सभी उनके लिए देखा और मैंने एक सुझाव भी कहा कि गुणवत्तापूर्ण सही समय पर हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण होगा, हम निरीक्षण करते रहें और निश्चित रूप से समय सीमा के भीतर हम आपको मेडिकल कॉलेज तैयार कर देंगे। मेडिकल कॉलेज का जैसा मेरे बात है तो उनका कहना है कि जनवरी फरवरी 25 में ओवरहेड कर दें। मेडिकल कॉलेज की सारी बिल्डिंग लगभग खड़ी हो रही है, दूसरे तीसरे मंजिल की बनने की उसकी तैयारी है, बड़े जोरों से काम लगा हुआ है। इधर शुरुआत में जरूर थोड़ी सी देरी हुई थी परंतु अब तेज़ी से काम लगा हुआ है और बहुत ही जल्द लगभग 24 के अंत अंत तक ये मेडिकल कॉलेज बन करके तैयार हो जाए। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाई अप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।